स्वागत जी एक बार फिर तो तुहाडा सारयां दा प्रोग्राम प्राइम हैल्थ दे विच। मैं गुरप्रीत संधावालिया ते तुसीं देख रहे हो इस प्रोग्राम नूं सेहत नाल संबंधित गल्लां दे बारे च। पिछले प्रोग्रामां दे विच वी असीं बहुत सारियां गल्लां बातां बहुत सारियां प्रॉब्लम्स मुश्किलां दे बारे च गल करदे रहिंदे आ। जिहड़ियां चीज़ां असीं आप सहेड़ लैंदे आ ते उहनां चीज़ां नूं सहेड़न तों बाद असीं फिर गोलियां दवाइयां वाले पासे जा तुरदे आ, फिर गोलियां दवाइयां जिहड़ियां ने सानूं कुछ होर अलामतां ला दिंदियां ते फिर अखीर बंदा कहण लग पैंदा वी हुण ते दवाइयां ते ही चलदा बंदा। असीं आप जी नूं बेनती करदे हां वी जिहड़ा ह्यूमन बॉडी है उहदे विच ही परमात्मा ने कई तरह दीआं चीज़ां फिट कीतियां ने, आपां उहनां नूं कम करन दिया करिए बजाए दे कि वी बाहरों कैप्सूल गोलियां टीके लवाईए। सो इस तरह की गलबात अज भी करांगे इस प्रोग्राम दे विच। मेरे नाल ने डॉक्टर हरिदमन सिंह माहल हुरी। माल साहब बहुत बहुत स्वागत जी तुहाडा प्रोग्राम च। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। तक साहब गल ये आ कि भी आप हर बार वक्रिया वक्रिया जिहड़ियां मुश्किलां ने मनुखी शरीर दे विच उहदे नाल संबंधित कारणां दा ते उहनां दा ही रसोई दे विचों ही खाण पीण दे विचों ही हल लभण की कोशिश करदे आ। ते पिछली बार आप गल्लां बातां जिहड़ियां कीतियां सी उह स्किन नाल रिलेटड सीगियां, खास करके चेहरे नाल रिलेटड, वालां नाल रिलेटड कुछ चीज़ां जिहड़ियां रहि गईयां सी। मैनूं इह सी कि जे आपां उत्थों ही अगे कॉन्टीन्यू कर लईए ते उस तों बाद फिर बाकी बीमारियां वाले पासे भी आ जावांगे। एक तां एग्जीमा जिन्हों आप कह दें जी, वह भी एक चमड़ी का ही रोग है, चमड़ी के होर भी कुछ एक रोग ने, उन्होंने बारे मैं चाहना कि आप जो अज इतों ही गल शुरू कर लिए। तो बिल्कुल दुरुस्त क्या है, असी पिछले प्रोग्राम्स के गल की सी जो असी स्कैल्प की गल की सी, स्कैल्प तो बाद असी फेस की गल की सी। तो स्कैल्प ते बहुत सारे फंगल रोग हो जाते हैं जिन्हों के करके वालों दी प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़ी जी असी गलबात थिंदे चकत्तियां दी कीती सी, थोड़ी बहुती असी वाल झड़न दी या जड़ां तों निकलण दी गल कीती सी। और चेहरे तों बाद जदों असी सारी शरीर दा अपनी बॉडी दा ख्याल करदे हां ते चरम रोग ने जिहड़े उह पिछले दो तीन दहाकियां दे विचों बहुत तेजी दे नाल मल्टीप्लाई हुए आ। खास करके पछम दे विच, खास कर दे वैस्टर्न हैमस्फीयर दे विच इह प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वधी है ते वह भी साढ़े भाईचारे जी। सो ये जे कारणों लभण जाइए तो वो बहुते कारण जड़े आ है ही आ कि सानू सनरेज कंपैरेटिवली घट मिलदियां ने। जे असी वैनकूवर की गल करिए मैं लगता है कि 300 दिन तो बदल रहिंदे ने, चाहे बहुते होण थोड़े, तो थोड़े दिन सानू सनरेज मिलदियां है। एक कारण यह हैगा, लेकिन सब तो बड़ा कारण जिहड़ा उभर के सामने आया पिछले साढ़े भी 30 साल के एक्सपीरियंस के विच, वो ये हैगा कि साडा जिहड़ा खाण पाण है वह थोड़ा जिहा डिफरेंट हो गया है जी। असी पिछली बारी फंगल डिजीजेस की गल की सी कि इस वेले जिथे पेंडेमिक हैगा COVID-19 है, उहदे नाल होर फंगल डिजीजेस इत्थे साडे कोल बड़ियां प्रचलित हो रही हैं, जिहदे विच काली उल्ली कह लो, पीली कह लो, चिट्टी कह लो, कई तरह दीआं फंगल डिजीजेस। ते उहदे विच असीं थोड़ी बहुत चर्चा कीती सी कि किहड़ियां गल्लां तों सानूं बच बचाव रखना चाहीदा आ ते नवें युग की शुरुआत होनी है, पोस्ट करोना युग जिहड़ा होना है उहदे विच सानूं अपना आहार विहार बदलना पैणा है। सो वह आहार विहार बदलण की जे अज गल करिए असीं चरम रोग की, उहदे विच एग्जीमा आ, सोराइसिस आ, डर्मेटाइटिस आ, या थिंदे चकत्ते हो गए, साढ़े कोल फुलबैरी होगी, साढ़े कोल होर चरम रोग ने जिहड़े बहुत ज़्यादा आ गए आ। तो उन्हां दा कारण लभ्या ये लभ्या कि साडा खाण पाण उहदे विच साढ़े को यीस्ट ते खमीर की बहुत बतात हो गई है। रोटियां परौंठियां फुलकियां तो असी थोड़ा जिहा अवे हुए हैं हालातों के मुताबिक, और बेकरी दे उत्ते असी ज़्यादा डिपेंड कीते हैं, और बेकरी दा ऐसे वेले जिहड़ा खास चर्चा हो रहा कि उहदे च यीस्ट और खमीर जिहड़ा आ उह साढ़े कोल इनटेक उहदी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सो सानू इहदे लई बहुत ही उचेचा ख्याल करना पएगा। और असी इह वी गल कीती सी कि बहे खाणे ने जिहड़े उह हैल्दी ने, फ्रिज च रखे हुए ने, रेफ्रिजरेटर च रखे हुए ने, हैल्दी ने, पर पक्की गल है उन्हां दी तसीर बदल जांदी है। ते असी ये भी गल कीती सी कि गुड़, चार चटनियां, मुरब्बे, पाउच, बॉटल, बॉक्सिस बंद ने जड़े वो सानू अवॉइड करने चाहिए है।
सो जे असी स्पेसिफिकली चर्म रोगों की चमड़ी के रोगों की गल की तो सब तो पहला प्रिवेंटिव की असी गल करते हैं लेट अस नॉट फॉल सिक आओ बीमारी ना होइए तो दूसरी गल असी ये करते हैं कि लेट फूड बी योर मेडिसिन की लेना है तो की नहीं लेना ये बहुत अहम है। सो जिथे किते भी चर्म रोग है वो छोटी मोटी खुशकी की खारिश तो लैके वड्डियां बीमारियां तक सोराइसिस एग्जीमा तक सानू सब तो पहला प्रिवेंटिव दे विच आना पैना कि जिन्हां दियां भी ये प्रॉब्लम्स ने वो गुड़ अचार चटनियां मुरब्बे पाउच बंद डब्बा बंद बॉटल बंद फूड जिहड़े आ उन्हां नू रिस्ट्रिक्टेड लैने चाहिए नहीं लैने चाहिए अवॉइड करना चाहिए। दूसरी गल सी बेकरी एंड पिज़्ज़ा वगैरह साढ़े कोल प्रचलित आ खाण पीण दे विच जिन्हां नू चर्म रोग ने जिन्हां नू नहीं है वह तो तुसीं खा सकते हो पर इन्हां तों बचना पएगा सानू परहेज करना पएगा। लेकिन हुण एग्जीमा ते सोराइसिस दे विच साढ़े कोल फर्क दा ही नहीं पता लग रहा। हर चर्म रोग नू असीं एग्जीमा कह दिंदे आ। मैं दसना चाहवांगा कि सोराइसिस एक बहुत ही भयानक चर्म रोग है जिहड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी अगलिया जनरेशन दे विच ट्रैवल कर जाता है। सो जिन्हां घरां दे विच भी सोराइसिस वर्गी बीमारी एग्जीमा वर्गी बीमारी है उन्हां नू प्रिवेंटिव ते उचेचा ध्यान देना पएगा तां कि उन्हां दे बच्चियां नू अगों उन्हां दे बच्चियां नू ये ट्रांसफर ना होवे। ये वेख्या कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली है। सो उन्हां घरां दे विच जिहड़े मैं परहेज दसे ने वो तो बहुत ही जरूरी है। एग्जीमा ते सोराइसिस दा एक मुढ़ला फर्क मैं दसना चाहुंदा है कि सोराइसिस दियां कई किस्मां ने जिवें स्कैल्प सोराइसिस है जे असी स्कैल्प की गल करिए तो उहदे विच असी सिकरी कह कह के 10-20 सार लंघा दिंदे आ कि सिकरी नहीं जांदी जदों कि वह सिकरी नहीं है वह सोराइसिस है। चिट्टे चिट्टे चाने चिट्टे चिट्टी फ्लेक्स ने जिहड़े वह उतरते रहिंदे आ लेकिन जदों असी खारिश करते हैं बहुत वारी तो इन्नी ज़्यादा खारिश करते हैं कि खून निकल आता है तो पिछे गुलाबी जे लीयंस गुलाबी रंग दे धब्बे जे पिछे रह जाते हैं लेकिन खारिश नहीं जाती सिकरी इन्नी खारिश नहीं होंगी। सो वो स्कैल्प सोराइसिस हो गया। और ये जिहड़ी स्केलिंग है जिवें मच्छी दे चाने होंगे है ये कई बारी चलती चलती कन्ना दे पिछे कन्ना दे विच भी चली जाती परवट्टियां ते दाढ़ी ते ये सारे ही आ जाती है। सो ये स्कैल्प सोराइसिस जिहड़ी है ये भयानक है। ये इत्थे तक सीमित नहीं रहिंदी कई बार सोराइसिस आल ओवर बॉडी है। पहला तो निक्के निक्कियां रैशेस जिहां होणगियां थोड़ियां जिहां फैल जाणगियां फैलण तो बाद उहदा घेरा जिहड़ा आ उह चिट्टा चिट्टा होएगा ते विच गुलाबी रह जाएगा। जदों असीं थिंदा लावांगे कोई ऑइंटमेंट लावांगे क्रीम लावांगे तो वह लगेगा बैठ गया लेकिन गुलाबी जे धब्बे जिहड़े अत खारिश करदे आ उह नहीं जांदे। सो ये मन लो कि यह जी खुशकी तुसी कह रहे हो ये खुशकी सोराइसिस है। आर्थराइटिक सोराइसिस भी है जोड़ां दे फोल्ड्स ने जिहड़े उन्हां दे पिछे अत दी खारिश हुंदी है वह चमड़ी दे बाहर नहीं वो अंदर भी चली गई जोड़ां दे विच भी चली गई जोड़ां दे विच इहदे करके सूजन हो जाती है जिन्हों असी सोराइटिक आर्थराइटिस कह दें या आर्थराइटिक सोराइसिस कह दें। इहदा भी सानू ख्याल करना पएगा कि असी जोड़ां दा प्रबंध करदे करदे यह भी ख्याल रखना पएगा कि इहदा कारण चमड़ी दा रोग सी इहदा कारण सोराइसिस सी। सो जनरल आर्थराइटिस जिहड़ा हैगा आर्थराइटिक प्रॉब्लम जिहड़ियां सानू ओस्टियो आर्थराइटिस वह एक अलग चीज़ है सोराइटिक आर्थराइटिस जिहड़ा आ इह एक वक्री चीज़ है। सो इन्हां चीज़ां दा सानू ध्यान रखना पऊगा जिथे एग्जीमा आ अगजीमे दे विच जिहड़े पिछे लीयंस रह जांदे आ वह ब्लैक रह जांदे आ कई थरां ते वह ऊज करना हो जांदा वर्स कंडीशन दे विच तो जिथे पिछे गुलाबी धब्बे रह जांदे आ उह सोराइसिस चला गया जिहड़ा पिछे कलश छड जांदा ब्लैके छड जांदा है वह एग्जीमा हो गया। कई बारी एग्जीमा ते सोराइसिस दी आपस च दोस्ती भी बड़ी है दोवें ही हुंदे आ ते साढ़े कोल किसे तरीके दे नाल काबू नहीं आउंदे। बहुत सारिया साइंसिस ने हैल्थ साइंसिस ने इहदे ते जोर लाया लेकिन इहदे ते सानू कोई बहुता वधिया जवाब नहीं मिलदा। सो फिर अल्टीमेटली असी उस सिधांत ते आ जांदे आ कि बचाओ विच ही बचाओ आ। जे असी परहेज कर रहीए जे असी प्रिवेंटिव ते चले जाइए ते एटलीस्ट असी आउण वालियां जनरेशनस नू इन्हां बीमारियां तो बचा सकदे आ खास करके वह परिवार जिन्हां दे विच ऑलरेडी ये बीमारी हैगी है जिहड़े कि चर्म रोग ने।
चर्म रोग दीयां होर भी बहुत सारियां किस्मां ने, पर मोटे तौर ते इन्हां दी प्रिवेंशन, इन्हां दा डोमेस्टिक घरेलू या रसोई दा क्योर ते रिहैबिलिटेशन उस सब दी सेम है, चाहे वह चमड़ी दे रोग होन, चाहे वह फेफड़ियां दे, छाती दे या साह दे रोग होन। जी गुरप्रीत जी। जी, मैं डॉक्टर साहब इतने जरूर चाहूँगा कि जिदा तुम ये चीज़ा ये तो दस दें कि भैया आ चीज़ा अपन नहीं खानिया चाहिए, पर जे मान लो कि ये सारिया चीज़ा है ने तो वह जो फिर घरेलू उपचार है, को मान लो कि कोई रसोई के जो तुम कोई दस सको कि आ चीज़ा जो आप स्किन पर ला लें वो मसला हल हो जाता, आ चीज़ा आप खाने पा लें तो वह मसला हल हों, भी मैं लगता है कि आप जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए जी। हाँ बिल्कुल, वह पहला तो असी प्रिवेंटिव तो किया, हूँ असी क्योर ते गल करदे आं, क्यूरेटिव ते गल करदे आं कि घरेलू उपचार की हो सकते हैं, तुहाडे एंड ते की हो सकता है, जो डॉक्टर ने करना, स्पेशलिस्ट ने करना, हेल्थ दे साइंटिस्ट ने उन्होंने करना, वो उन्हों का हैगा, जिहड़ा असी करना है वह बड़ा जरूरी है। सो प्रिवेंशन की गल करन तो बाद तुसी अपने लैवल दे उत्ते शरीर नूं कदे खुशक नहीं होण देना, उहदा कारण यह आ कि अत की सर्दी है तां भी खुशकी है, जे तुसी एसी लाया तां भी खुशकी है, जे तुसी हीट लाई हुई है तां भी खुशकी है। सो ये सारे सुख आराम जिहड़े असी मानते हैं ये सानू खुशकी देंदे आ, ये खुशकी चाहे चमड़ी दे उत्ते होवे ते चाहे साढ़े अंदर होवे, अंदर वाली सानू दिसदी नहीं, बाहर वाली सानू दिसदी है। सो अंदर दी खुशकी दे विच तां बॉडी दा एसिडिक होना, बॉडी दा तजाबी होना, वह भी अंदर अत की खुशकी करता, तो उही खुशकी कई बार बाहर भी आ जाती है जदों बॉडी दे विच एसिड का लैवल जिहड़ा एक तवाजन है उहदे तो वध्या हुंदा है, उस वेले ये खारिश जिहड़ी है ये वध जाती है, उस वेले ये ज़्यादा अपीयर हुंदी है। सो इस करके घरेलू उपचार दे विच ये है कि अपने शरीर नूं हफ्ते च एक बारी सन एक्सपोजर जरूर देना चाहिए। नंबर दो, सानू नहाउण तो पहला ये आदत बना लेनी चाहिए आ कि असी दो तेल ने साडे कोल, दोनों की बहुत वड्डी अहमियत रही है पिछले पुरातन समय दे विच्चों, एक सरों का तेल जे सरों का तेल प्योर मिलता होवे, नंबर दो कोकोनट ऑयल, गिरी का तेल, खोपे का तेल वो मिलता होवे, उहदे विच प्रोसेस नहीं चाहिए, वर्जिन कोकोनट ऑयल चाहिए जिदे विच कोई एडिड फ्लेवर ना पाया होवे, एडिड रंग ना पाया होवे, नैचुरल। सो ये चीज़ा अगर नैचुरल फॉर्म दे विच मिलदियां ते सानू नहाउण तों पहला खास करके फोल्ड्स दे उपर, खास करके उन्हां एरियाज़ दे उपर जिहड़े कदे सानू एक्सपोज़ नहीं हुंदे, सानू खूब सारी मसाज करनी चाहिए, खूब सारा धंधा रखना चाहिए। असी अंबलाइकस नूं ते कदे छेड़िया ही नहीं, अंबलाइकस दे विच सब तो वड्डा जिहड़ा कपड़िया का डस्ट हुंदा उहदे विच फसदा, जे असीं उहदे विच भी तेल ला के रखांगे तां सानू बहुत सारिया बीमारियां तो असीं बच भी सकदे हां। धुन्नी नूं ठंडा रखना ये पुरातन समयां तो चलिया आ रहा सी, हर वेले नहाउण वेले खास करके धुन्नी दे विच अंबलाइकस दे विच जरूर सानू ऑयल्स पाउणे चाहीदे आ। ऑयल्स दा असीं पहला जिक्र कर चुके हां कि इह सारे दे सारे ऑयल्स ने जिहड़े पर्टिकुलरली कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, ये एंटी फंगल होंगे बहुत जबरदस्त। सो फोल्ड के उत्ते पर्टिकुलरली ते सारी बॉडी के उत्ते जनरली सानू मसाज करनी चाहिए, उस तो बाद सानू शावर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साढ़े को जिहड़े सोप ने वो सोप भी सानू खुशकी करते हैं। सो इस करके सानू पीएच लैवल न्यूट्रल लैवल शायद नैचुरल स्टोर से कितने मिलते हो जरूर पता कर लेना चाहिए, अदरवाइज साढ़े सोप या शैंपूज ने वो भी बहुत खुशक ने, ते खुशकी तो असी बचना है, सोराइसिस वर्गी बीमारी का दूसरा नाँ खुशकी दी बीमारी। हुण असी की करना है कि हल्दी दर्जी का असी बहुत बारी जिक्र किया, करते भी रहेंगे, जिदे बारे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन पुरातन साढ़े को जिन्ना भी एंशियंट लिटरेचर है उहदे विच इहदा बहुत वड्डा जिक्र है कि ये एंटीबायोटिक होंगी है, एंटीसैप्टिक होंगी है, एंटी एलर्जिक होंगी है, एंटी इनफ्लोमेटरी होंगी है, क्योंकि बचपन के जदों कि सट सुट लगती सी चट देनी, नक् फट के कहें गर्म गर्म दुध पी लै, ढेर सारी हल्दी पाई होंगी सट्टा लगदिया सी, ईवन इतने ही नहीं जे कि उस वे दवाई नहीं होंगी सी, कोई जख्म हो जाता सी सरों के तेल के हल्दी नूं साड़ के उत्थे बन दिंदा ते वो लथदा ही उदों सी जदों ठीक हो जाता सी। सो हल्दी का गुण स्किन के उपर, हल्दी ते चंदन दा लेप
लेडीज़ दे फेस दी खास करके खूबसूरती दा प्रतीक हमेशा बनिया रहा है कि सानू चंदन ते हल्दी नू मिला के उदा लेप बना के सानू फेस साफ रखना चाहिए। सो ये जेड़ियां चमड़ी दे उपर एप्लीकेशंस ने और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है उदे विच हल्दी दा बहुत वड्डा महत्व है। जनरली आम करके सानू अद्धा चम्मच छोटा टी स्पूनफुल छोटा चम्मच सवेरे शाम सानू गर्म दुध क्योंकि इहदा अनुपान गर्म दुध है ठंडा नहीं गर्म दुध वह सानू लेना चाहिए आ उहदे नाल असी बहुत सारिया इनफेक्शन इनफेस्टेशन दे विचों बच सकते हैं। इत्थे ही नहीं बल्कि साडा इम्यून सिस्टम भी उच्चा हुंदा है। अजकल तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया गोल्डन मिल्क जिहनूं हल्दी पहला हुंदा सी कि केसर पा के जिहड़ा दुध सी उहनूं गोल्डन मिल्क कहिंदे सी अज हल्दी पा के जिहड़ा दुध बना लिया उहनूं असी गोल्डन मिल्क कहना शुरू कर दिता ये चंगी आदत है। सो ये सानू जरूर लेना चाहिए। इत्थे मैं ये भी दसदा जावां संधावालिया साहब कि जदों साडे कोल एलर्जी दे करके जिहड़ी एलर्जी ते बाहर आ गई उह ते चर्म रोग हो गया जिहड़ी अंदर आ उह छाती दे रोग हो गए साइनोसाइटिस हो गया नज़ला जुकाम कुराइज हो गया। सो इन्हां चीज़ां दे लई भी सानू मुलट्ठी जिहड़ी कि रब दा बनाया होया स्टीरॉयड है ते मॉडर्न दे स्टीरॉयड्स ने आपां लैंदे आ कोर्टिकोस्टीरॉयड्स ने उह डॉक्टर्स जिहड़े भी उह अपना यूज करदे ने उहनां दी पैथी दे मुताबिक उहनां दे सिस्टम मुताबिक पर रब दा बनाया होया स्टीरॉयड वह मलट्ठी है जिन्हों आप लिकरस कहने हैं। सो बहुत सारिया खंघ खांसी या छाती दे नाल संबंधित बीमारियों के जिहड़ियां के एलर्जन करके ही होंदियां ने जिहड़ियां के इनफेक्शन इनफेस्टिन जिहड़ी कि फंगल आ उहदे करके होंदियां है उहदे विच हल्दी का जिथे अपना महत्व है उत्थे लिकरस का मुलट्ठी का अपना बहुत वड्डा महत्व है। वह डिकॉक्शन बना के उहदा काढ़ा बना के सानू दिन च दो वारी जरूर पी लेना चाहिए। जे असीं इन्नियां क गल्लां दा भी ख्याल रख दीए तो असी चर्म रोगों नू बहुत भयानक स्थिति च जाण तो रोक सकते हैं ते नाल दी नाल ही असी इन्हां तों बच भी सकते हैं। सो सानू प्रिवेंटिव दे उत्ते ही जोर देना चाहिए कि क्यूरेटिव की वारी ना आए जे आ जाए तो घरेलू उपचार दे विचों हुण उस तरीके दे नाल ते बहुत सारिया जड़ी बूटियां जिहड़ियां उशबा मीचका चरैता ब्रह्मडंडी गोरखमुंडी यह सारिया ही चीज़ा जिहड़ियां ब्लड नू कौड़ा करदियां ब्लड दियां डिजीज़ नू और चर्म रोगों के लिए इन्हां दा बहुत वड्डा महत्व है। जिन्नियां भी आयुर्वेदिक प्रैपरेशनस बनदियां ने जिन्नियां भी हर्बल प्रैपरेशनस बनदियां उन्हां विच पंज सत चीज़ां एक्सट्रैक्ट रूप दे विच फाइटोकैमिकल्स दे रूप दे विच वरतियां जांदियां ने और ये बहुत ही अच्छा प्रभाव देंदियां ने। लेकिन साडे खाते दे विच लेट फूड बी योर मेडिसन उहदे विच तुसीं आप अपना उपचार किवें करना है उहदे विच हल्दी सरों का तेल कोकोनट का ऑयल और मलट्ठी की वरतों हो सकती है। बहुत वधिया तुसीं ढंग नाल समझाता डॉक्टर साहब यही मेरा ख्याल तुहाडी खूबी है कि भी आपां बहुत इधर उधर हेरफेर च नहीं पैंदे आपां इह कहिंदे भी जो मूँह राही शरीर के अंदर जाना जो उहनूं ही आपां दवाई बना लिया तो फिर होर एक्सट्रा दवाइयां इधरों उधरों लाने की लड़ नहीं पैनी। एक डॉक्टर साहब आया सी सवाल जिदा हमने जिक्र करते तुसी हुण पता नहीं कारण हुण एलर्जी है जां की है तो तुसी दसोंगे सियालां दे विच कई बार नक दे विचों खून आउण लग पैंदा आम तौर पर आपां कहिंदे नकसीर फुट गई या नसीर फुट गई है ना ये नसीर की हुंदी आ फुटदी क्यों आ ते ये जिहड़ा ब्लड ब्लीडिंग हुंदी आ ये की कहानी है भी समझाओ थोड़ी जी हल इहदा की आ। नसीर तुसी ये कह सकते हो कि जिहड़ियां साडे कोल नेजल कैविटी दे विच नसां ने वह खुशकी दे कारण क्रैक हो जांदियां उन्हां दे विचों बहुत सारा ब्लड भी कई बार आ जाता सो नस फटदी है। हुण नस कादे नाल फटदी है असीं हुणे खुशकी की गल कीती खुशकियां भी दो किस्म दियां आ एक क्लाइमेटिक बाहर दियां और एक साडे अंदर जदों तुहाडे शरीर के अंदर ज़्यादा तेजाब बनेगा डाइजेसिव प्रोसैस के दरम्यान ईवन स्टोमिक दे विच भी एसिड ऊज करता है रब का बनाया होया जठर अग्नि। सो जदों असी फ्राइड चीज़ा ज़्यादा लवेंगे एसिडिक चीज़ा ज़्यादा लवेंगे तो वह साडे स्टोमिक दे विचों हवाड़ जिहड़ी आ उह बाहर आउंदी है और जदों मूँह साडा बंद हुंदा ईवन सुते हुए या बहुत बारी बंद रहता तो नक चों उह बाहर आउंदी रहिंदी है वह हवाड़ जिहड़ी आ एसिड की हुंदी है और वह एसिड की हवाड़ है जिहड़ी वह साडियां नसां नूं बहुत खुश्क करदी आ और अत खुश्की होण करके उहदे विच क्रैक्स हो जांदे आ अंदर दा।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏ ਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈ, ਏ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਟੋਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਿਡ ਊਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਿਊਮਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਵਾੜ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਬਾਡੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਸੀਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸੀਰ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੁੱਟਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਐਸਿਡਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਿਡਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਰਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਐਸਿਡ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਦਿਨ 'ਚ 30-40 ml ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਗਰ 5-7 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸੁੱਟ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗਲਾਸ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਊਮਸ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਊਮਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਖੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਤੇਰੇ ਦੀ ਸਿਰਪਾਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗਲੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟੋਮਿਕ 'ਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਔਰਗਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਲੀਕੇਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਂ ਜਿਹਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲੇ 'ਚ ਸੂਜਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹੇ ਗਲੇ 'ਚ ਦਰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਸਟੋਮਿਕ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੇਟ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਐਸਿਡ ਸਟੋਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਪਿੱਛੇ ਐਸਿਡ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਗਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣਾ ਗਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ, ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ। ਸੋ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ, ਬਦਾਮ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ, ਐਲਮੰਡ ਆਇਲ 50 ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਲਮੰਡ ਆਇਲ ਗਲਤ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਨੋਸਟ੍ਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਇੰਟਰਵਲਸ ਦੇ, ਦਿਨ 'ਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਪਾ ਲਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਰੋਪਸ। ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਥਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਦੇ ਨਸੀਰ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟੇਗੀ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕੋਕੋਨਟ ਦਾ ਆਇਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਦੀ ਥਿੰਦਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸੀਰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਰਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟਿਵ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਬਲੱਡ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵੱਧਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਘੱਟਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਟੂਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਵਧਾ ਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ BP ਵੱਧਦਾ ਜਾਂ BP ਘੱਟਦਾ, ਐਂਡ ਇਹ ਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆ, ਐਂਡ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਲੁਕਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਲੈਟ ਫੂਡ ਬੀ ਯੋਰ ਮੈਡੀਸਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਹਾਂ ਆਕਰ ਭਟਕਤੇ ਹੈ, ਅਮੂਮਨ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹੀਂ ਮੋੜੋਂ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਅਕਸਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ
कि फूड तुहानू बीमार करता है तो फूड तुहानू ठीक भी कर सकता है जी जे असीं जाणदे होईए जे सानू पता होवे। सो ब्लड प्रेशर वधिया होना या घटिया होना वो मेरा ब्लड घट गया ये साडी फोक लैंग्वेज आ इहदे च आपां स्लैंग यूज करते हैं थोड़े लफ्जा के समझते हैं थोड़े लफ्जा के समझाने वो प्रैशर लफ्ज विचों खा जाते हैं उन्हों का कसूर नहीं है पंजाबियों की वैसे ही आदत है कि सानू नहीं पता असी सानू भी नहीं कहिंदे सानू नहीं पता। सो ये साडा जिहड़ा स्लैंग है वो विचों बेचारियां ने प्रैशर खा लिया होया आ ब्लड वध गया ब्लड घट गया गल प्रैशर दी है। हुण ब्लड प्रेशर वध्या होवे ते ब्लड प्रेशर घटिया होवे दोनों दे विच ही सिरपीड़ हुंदी है लेकिन दोनों की सिरपीड़ का फर्क है सानू बहुता इत्थों ही पता लगता है। उस तो बाद साडी धौण दे विच खिचा जिहा हो जाता है सानू उत्थों पता लगता है साडा चेहरा ते अखां लाल हो जांदियां उत्थों पता जदों अत हो जांदी है फिर चक्कर भी आउंदा डिग भी पैंदा पता उत्थों लगता है। सानू सारी रात नींद नहीं आती तो जे रात सौ के फिर जाग आ गई दोबारा नींद नहीं आती पता सानू उत्थों भी लगता है। किसी वेले बंदा हुंगलाई जांदा है बैठा कम नहीं करता हाथ पैर ठंडे रहिंदे पता उत्थों भी लगता कदा ब्लड प्रेशर वध्या है कि घटिया है दोनों दियां अलामतां वक्रियां वक्रियां। हुण जिहड़े वधे हुए ब्लड प्रेशर की सिरदर्द आ टस टस करती है ते जिहड़ी घटे हुए ब्लड प्रेशर की सिरदर्द है वह डूंगी जी मठी जी ते मिठी जी हुंदी है लेकिन घटे हुए दे विच हाथ पैर ठंडे रहिंदे आ सौण नूं दिल करदा उठण नूं जी नहीं करदा लेकिन वधे हुए दे विच सानू नींद आउंदी नहीं जे आ गई ते दुबारा उठ के फिर नहीं आउणी दोवां च फर्क हो गया। सो इस करके ये छोटिया छोटिया अलामतां ने जिहड़ियां तुहानू समझा दिंदियां ये कहिंदियां भई अपने शरीर वल ख्याल कर डाक्टर कोल जा ते दा जाके पुछ भई वधिया होया कि घटिया होया। साडे पिंडां दे विच कई वारी एवें भी चलदा आ घटे नूं वधिया कह दिंदे वधे नूं घटिया कह दिंदे ना उहनां दी मशीन चलदी हुंदी आ बहुतिआं नूं वरतना भी नहीं आउंदा। सो किसी भी क्वालीफाइड डॉक्टर दे कोल किसी पढ़े लिखे डॉक्टर कोल जाके सानूं रिकॉर्ड रखना चाहीदा। एक बारी ब्लड प्रेशर बहुत बारी कहिंदे जी लो जी आया सी वो साडा हेठला ब्लड प्रेशर वो 70 आ गया कहिंदा उदों बाद वेख्या तो 85 आया होया भई वो कोई स्टैचू नहीं है ब्लड प्रेशर वो तो सारा दिन वधदा घटदा रहिंदा है जदों कहिंदे रोटी खाधी तां वध गया हसे खेडे कितें ढिड्डी पीड़ां पै गईआं तां ब्लड प्रेशर वध गया किसे वेले उदासी च चले गए ब्लड प्रेशर घट जांदा वो लगातार घटिया रहना ते लगातार वधिया रहना ये बीमारी की अलामत है उसका रूट कॉज लभना है उसका कारण लभना उस कारण दूर करना पैना। सो इस करके इत्थे डॉक्टर की राय ले लेनी चाहिए पर करना की है तुसी करो। हुण मैं गल करांगा घटिया होया जो ब्लड प्रेशर है थोड़ा घट के किसी वेले थोड़ा 60 के नेड़े आ गया हथ पैर थोड़े ठंडे उठन नूं जी नहीं करता बैठा बैठा बंदा सौई जांदा है इमीजिएटली जिहड़ी फस्ट एड है देखो ये पिछे कारण है मैं कह लगातार घटिया रहना बीमारी है उसका कारण है लेकिन घरों तुसी की उपचार करना उहदे च है कि टेबल साल्ट सानू घोल के उस वेले ले लेना चाहिए गर्म गर्म पान चाहे वह दुध होवे चाहे वह कॉफी होवे चाहे वह चाह होवे क्योंकि कॉफी ते चाह दे विच कैफीन है जे दुध लोगे तो हीट है कोई भी गर्म गर्म चीज़ के नाल कंपैरेटिवली उत्ते आ जाएगा। किसी वेले लंबा समा रोटी मिस की हुंदी है नहीं खाधी हुंदी उहदे करके भी ब्लड प्रेशर है सानू इमीजिएटली कुछ खाना पीना चाहिए घटिया होया ब्लड प्रेशर है लेकिन जदों वधिया होया ब्लड प्रेशर है अगर लगातार वधिया रहिंदा है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी पैंदी है पर तुसी घरों की करना। पहली तो गल आ कि जिन्ने ऑयल्स ने जिन्ना फ्राइड स्टफ है जिन्ना घ्यो दे नाल जुड़ी हुई चीज़ है वह सारिया माइनस करो और नाल दी नाल गार्लिक लसन लसन एक यह जी रब की बनाई हुई चीज़ है जिहड़ा ब्लड थिनर है ब्लड थिनर ही नहीं है जिन्ना नसा दे विच्चों जिन्ना आर्टरीज़ दे विच्चों जिन्ना वेन्स दे विच्चों दी ब्लड ट्रैवल करता है उन्हां दा लचकीलापन जिहड़ा वह भी मेनटेन करके रखता है किसी वेले प्रैशर वधेगा भी तो वह जगह दे दिंदा है तो जदों वह हार्ड होणगियां बॉडी ज़्यादा इस वेक रही लंबा समा तो वह हार्ड हो जांदियां
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰੈਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਨੀਲ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਸਣ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦੀ ਘਣਤਾ ਨੂੰ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਵਿਸਕੋਸਟੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਫੰਗਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਗੁਣ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੀ ਵਿਸਕੋਸਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਚੀਲਾਪਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਲਸਣ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਸਣ ਖਾ ਲਓ, ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਟਾ ਲਸਣ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਦੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਸਲਾਈਸਿਸ ਕੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਸਣ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 1% ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ 47 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ। ਲਸਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਕਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਸਣ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਸਣ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਸਣ ਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਸਣ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਸਣ ਦਾ ਮਲੀਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਅੱਧੀ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਸਣ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਲਸਣ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਸਲਾਈਸਿਸ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਾ ਲਿਓ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੋਲਾਟੈਲਿਟੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾੜ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਿਡ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਸਲਾਈਸਿਸ ਕੱਟ ਕੇ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਾ ਲਓ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੋਲਾਟੈਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਸਬਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਸਬਡਿਊ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਸਣ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਣਾ ਕਰਾਓ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯੂਰਿਕਿਸ ਲਿਪਿਡ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸੀਰਮ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਗੁੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ, ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਊਰੇਟਿਵ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੈਟਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ, ਆਪਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੈਲੋ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਹੈ। ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਇਲਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰੂਟ ਕਾਜ਼, ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਬਲੱਡ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਬਲੱਡ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਸੌਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਾ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਇਹ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜੁੜਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਕੋਈ ਰਸੋਈ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਕੱਢੋ ਸੱਪ ਨਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਟ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫੈਟ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ, ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਓ।
और ज्यादा खाना जिहड़ा आ वो तुहाडी सेहत नहीं वधाउंदा, बल्कि हारमोनीअस खाना जिहड़ा आ, संपूर्ण खाना जिहड़ा आ वो तुहाडी सेहत वधाउंदा आ। ज्यादा खा के नहीं, हारमोनीअस संपूर्ण खाना खा के अपनी सेहत की तुसी सेहत की संभाल कर सकते हो, ना कि ज्यादा फैट्स लैके। सो ये बड़ा जरूरी है, जदों असी आहार व्यवहार आचार संचार विचार की गल करते हैं उहदे विच तुहाडा दिनचर्या सवेर तो लैके शाम तक, शाम तो लैके सवेर तक, ये बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करनी, कसरत करनी, फिजिकल इनवॉल्वमेंट होनी चाहिए है। लेकिन असी आराम का कीड़ा पाल के रख्या होया है, सबलिंगली टेस्ट बड्स का कीड़ा पाल के रख्या होया, इन दोनों नू प्लग करना पएगा, इन दोनों नू हैंडल करना पएगा। फिजिकल एग्जर्शन इज मस्ट, दैट इज द अल्टीमेट मेडिसन। 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर सवेरे, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर वॉक, उम्र के मुताबिक जिहड़ा रनिंग कर सकता रनिंग कर ले, जिहड़ा जॉगिंग कर सकता जॉगिंग कर सके, जिहड़ा वॉक कर सकता वॉक कर सके, ब्रिस्क वाला ब्रिस्क करे, स्लो वाला स्लो करे। बट मस्ट है कि अपने शरीर नूं आने वाले समय के पोस्ट करोना, जिहड़ा बंदा भी एक्सरसाइज नहीं करेगा, जिहड़ा बंदा 2 घंटे अपने शरीर नूं नहीं देगा, उन्हें बहुत सारे भयानक नतीजे भुगतने पैणगे। सो इस करके जिंदगी का असूल बना लो कि 2 घंटे तुसीं अपने शरीर नूं अपने आप नूं देने हैं। सवेरे उठ के रनिंग करो, जॉगिंग करो, योगा करो, कैलिस्थेनिक्स करो, जो मर्जी कर लो, लेकिन फिजिकल एग्जर्शन होनी चाहिए है। तो जे तुसीं तंदुरुस्त हो, ठीक ठाक हो, 5 तो 6 किलोमीटर सवेरे, 5 तो 6 किलोमीटर शाम नूं, पर इन्ना ख्याल रखियो कि जिहड़े गोड्यां दे खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस है वह ज़्यादा वॉक ना करन, वो कोई होर एक्सरसाइज जिहड़ी नॉन रेजिस्टेंट एक्सरसाइजिज होंदी है, कि तुसीं स्विमिंग कर सकते हो जे कोई करन दे काबल है, तुसीं साइकिल चला सकते हो उहदे च गोडे दी होर तरह की इनवॉल्वमेंट है, या तुसीं लेट के सीधे आसमान वल नूं मूँह करके साइकिल चला लोगे खाली लत्तां दे नाल, वो भी फायदा करता। पर फिजिकल एग्जर्शन इज मस्ट, यही गल है साढ़े कोल कि लसन की वरतों करो, फिजिकल एग्जर्शन करो, खाण पीण दे उत्ते अपना कंट्रोल रखो। इस तो इलावा, क्योंकि इस वेले साढ़े कोल हार्ट डिजीज़ इन्नियां ज़्यादा ने, तुसीं कोलेस्ट्रोल की गल की, क्यों कहकर की बीमारी है। सो ये चीज़ां नूं असीं तां ही मैनेज कर सकते हैं जे तुहाडी जिन्हां की सैचुरेशन हैगी है, जिन्हां दे कोल जमा हैगा है, वो मेहरबानी करके सोच के फैट लो, सोच के ऑयल लो, सोच के चीज़ा खाओ, फिजिकल एग्जर्शन खरूब करो, तो असी यह जी भयानक बीमारी या यह जी फैटैलिटी तो बच सकते हैं। जिदा तुसी सैचुरेशन की गल करते हो, जमा की गल करते हो, मैं लगता है तुसी गल्लां गोलियां करके, क्योंकि शरीर ते सुख ना मेरा भी भारा, मतलब जिन्हां दा शरीर थोड़ा जिहा भारा उन्होंने वाल इशारा कर रहे हो तुसी भी भाई साहब बच जाओ। भारा जिन्हों का शरीर है वह 3 चीज़ा जी जी, उहदे च पहली चीज़ फैट आ, जिहड़ी स्किन दे थले पैड बनाई जाती है उत्थे पैड ही नहीं रहिंदे, खून दीआं धमनियां दे विच चल के उहदा जिहड़ा बनिया होया घेरा उहनूं कटाई जाती है जी, उहनूं कटाउंदी है ते फिर साडा प्रैशर पिछे पंप दे उत्ते पूरा जोर लैंदा, जिन्ना घेरा छोटा होएगा तुहानूं ते पता बंबियां दे उत्ते 4 इंची लाई हुई है, उहदे विच किला गड दिंदे सी धार बड़ी दूर जाती सी, पर मोटर ते पिछे भार पैंदा ना जी, लोड पैंदा। सो इस करके ये जिहड़ा जमा आ साडे शरीर अंदर फैट का, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा जमा पानी का आ, तीसरा जमा जिहड़ा वह हवा का आ साडे शरीर। असीं बहुत वारी कहने कि अजवाइन की वरतों करनी, हिंग की वरतों करनी चाहिए, ताकि शरीर के अंदर डाइजेस्टिव प्रोसैस च हवा ना टिके, हवा निकल जाए। उस तो बाद असीं लसन की वरतों करते हैं कि हाँ साडे अंदर जमा ना हो, चाहे वह साडे कोल स्किन दे हेठां पैड्स बन जाते हैं, बहुत बारी ये पेट के दुआले बड़ी फैट जमा हो जाती है, और जो उत्थे सरप्लस हो जाती है फिर साडियां खून दीआं धमनियां च जाती है, वो बड़ी भयानक प्रूफ होंदी है। सो इस करके 3 चीज़ां हवा पानी ते फैट, ये साडी ओबेसिटी है। सो इन्हां नूं असी इकट्ठे नहीं होण देना शरीर दे विचों हवा। असी बहुत बारी कहिंदे रोटी दे नाल पेट दे विच जरा गड़बड़, कहिंदे अजवाइन खा लो जी, या बहुत वारी वाई चीज़ा खानियां उहदे च हिंग पा लो जी।
ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਡਾਇਓਰੇਟਿਕ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਓਰੇਟਿਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਡਾਇਓਰੇਟਿਕ ਕੀ ਹੈ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਓ ਜੀ ਸੱਤੂ ਖਾ ਲਓ ਜੀ ਸੋ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਇਓਰੇਟਿਕ ਹੈ ਰੋ ਪੀ ਲਓ ਜੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਇਓਰੇਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਟਾਈਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਖਾਓ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਨਾ ਬਣੇ ਹਵਾ ਰਿਟੇਨ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਿੰਗ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਚੌਲ ਆਲੂ ਮਾਂਹ ਰਾਜਮਾਂਹ ਕੜੀ ਛੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਦੋ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲਾ ਲਓ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਰ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਕਿਤੇ ਤੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਠੰਡੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਰੂਟ ਕੌਜ਼ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਹੁਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਆਪਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਪਣਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਟੋਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ